हेलो मोहित, हाउ आर यू? बढ़िया, बढ़िया गुड। चलिए फिर, यस नमस्ते, वेलकम सबको। आई गेस मोस्ट ऑफ अस नो मोहित। ही हैज स्पैन ऑफ 20 years वर्किंग इन टू थिएटर, एंड ही इज वर्किंग इन द कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंटल थिएटर फॉर पास्ट 20 years आई सपोज। एंड हिज वर्क्स रेंज फ्रॉम हिंदी टू उर्दू टू मराठी, ऑफ कोर्स फर्स्ट मराठी, देन हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा, राजस्थानी, एंड ही इज रेसिपिएंट ऑफ एन नंबर ऑफ अवार्ड्स, होमी बाबा फेलोशिप, एंड आदित्य बिरला पुरस्कार, उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार, एंड मेनी मोर। ही हैज डन हिज मास्टर्स फ्रॉम थिएटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जिटर इन थिएटर डायरेक्शन। एंड आई हैव पर्सनली नोन मोहित फॉर पास्ट 9 years when he came to direct Comrade Kumbhakaran in NSD Repertory. And before that, I have seen his work, Tu, Matra, Garbo, in Bharat Rang Mahotsav. And so he started with Yayati in 2000. And then his works range from Yayati to Tu, which opened him to the world theater, I suppose. Then he worked with Tim Supple for Midsummer Night's Dream. Then came Gajab Kahani and Yusuf and Method Magician. And now recently, Chaheta, or I think Mausami Narangi. So this was the kind of work he was doing, which I suppose everybody over here know. Lekin isse bhi zyada, mujhe lagta hai, Mohit ka kaam hamesha ऐसा ही रहा है कि अब हम जो भी करेंगे उसका मुझे कुछ पता नहीं है, इसमें मजा आएगा लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। और नया स्पेस, नए लोग और छोटे छोटे मोमेंट्स जिससे नाटक बनता है, ये सब हमेशा मोहित का फोर्टे रहा है। इससे ही वो काम जनरेट करता है। सो ये मोहित का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये आई गेस शुरुआत से होने से पहले बता दिया गया है कि आप लोग सब अपना माइक अभी के लिए ऑफ कर दें, एक्सेप्ट द गेस्ट स्पीकर। और ये 2 सेशन में होगा, मिनिमम ऑफ 2 सेशंस, 40 मिनट्स ईच, जिसमें आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस टू मोहित। और उसके बाद हम ऑडियंस के लिए माइक ओपन करेंगे, और अगर हमें लगता है कि वो बात और भी आगे जा सकती है, सो वी माइट हैव अ थर्ड सेशन ऑफ 40 मिनट्स अगेन। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। यस जी। तो अब आप बताइए, आपने एक्चुअली कोविड हिट होने तक काम किया है, as in I suppose कि हम लोग अभी यहाँ जितने भी लोग मौजूद है, the 54 of us, you were the first one who actually encountered COVID in India when you went for It Folk चहेता परफॉर्म करने, और तब आप लोग को जनवरी 26-27 में ही मास्क और ग्लव्स दे दिया गया था। तो you always knew it, और हमसे आप बात करते थे इस बारे में, और हम लोग तब उसको हंसी में टालते थे कि ये कुछ नीफा जैसा ही होगा और वो आके चला जाएगा, बट यू न्यू इट। सो व्हाट इज दिस नाउ जो अभी हो रखा, ये क्या है? और अगर आपको पता था तो व्हाट डिड यू एक्चुअली डू इन द पास्ट फ्यू मंथ्स? अब ये 2-3 सवाल शायद एक साथ आ गए। अच्छा, तो पहला ये क्या है? नहीं, एक मुझे लगता है ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, और वो इनक्रेडिबली हार्श, इनक्रेडिबली सैड टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन। द डिवाइड इज ग्लेयरिंग, यू नो, द रिच पुअर, द मिडिल क्लास, न्यू रिच, वी हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग देम बाय क्लासेस नाउ, एंड द थिंग दैट हैपेंड वाज दैट पॉलिटिकली आई थिंक we are living in a sham, and the way things were handled, the way things are handled right now, it's appalling, it's suffocating, and
the way people are suffering, it is absolutely heart-wrenching. People are fighting for basic survival, basic needs. The world has shrunk. Somehow we are in the same boat. And in a way, like on some levels, if we take as artists, as theater people, kind of जो न्यूयॉर्क में बैठा कोई डायरेक्टर है एक्टर है और यहाँ पे बैठा कोई है जापान में बैठा कोई है वी मोर और लेस आर फाइटिंग द सेम रियलिटी एंड इन दैट सेंस द वर्ल्ड हैज रियली बिकम वेरी 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 स्मॉल वी आर क्लोज टू ईच अदर इन दैट सेंस एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड बिकॉज़ आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट एंड I'm still finding my response to the entire thing. I'm figuring out as an artist, as a person, both. Suddenly I'm like the reality of old parents that has struck me. Jo pehle shayad mere dimag mein nahi tha. Mere aaju baju kaun hai, kya ho raha hai, ye main dekh raha tha. But on a good note, relationships, unka importance ek had tak samajh mein aaya, aur kaun important hai, kyun important hai, aur maine mere life mein jo shayad itne log jama kiye the, shayad unme se bahut ki zarurat nahi thi, meri dependency, jo mujhe lag rahi thi ki in pe meri dependency hai, wo pata chala ki ye dependency nahi hai, फिर मुझे कितना पैसा चाहिए हाउ मच मनी डू आई नीड टू सर्वाइव यू नो दिस एक्यूमुलेशन दैट आई वाज डूइंग ऑफ वेल्थ ऑफ हाउस ऑफ अ व्हीकल ऑफ क्लोथ्स ऑफ गैजेट्स एंड यू नो हाउ फ्यूटाइल इट इज क्या ये सचमुच जरूरी था और मैं अभी इसके लिए क्या कर सकता हूँ बट अगेन ऑन अ पर्सनल लेवल एंड आई एम Because I have been, I'm very to do. I don't really have to think about मैं आज का खाना कहाँ से क्या करूँगा कहाँ सोऊंगा. And there are countless people who are encountering that every day. So I have been in that sense very privileged. So I've been cooking जो मैं पहले करता था पर जब से restaurant start हो गया तब से in fact cooking बंद हो गया. क्योंकि मुझे जो चाहिए वो रेस्टोरेंट में मिल जाता था बट अगेन सम बेसिक कुकिंग मैं पहली बार जब हॉस्टल गया था तब मेरी माँ ने एक छोटे डायरी में उसके सब रेसिपीज लिख के दिए थे और जो एकदम बेसिक सिंपल सिंपल वेजिटेबल सिंपल दाल सिंपल राइस एंड वो कर रहा था अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट बेक ब्रेड आई डिडंट बेक केक और इटालियन फ्रेंच so I was happy doing the simple Marathi food and I was looking at my house and it's a joy to stay there it's a joy to live in such a beautiful house my and I've had time so my plants are looking greener my there's less dust under my bed now my blankets are smelling nicer And there is less clutter in my cupboard and in my mind, I feel. So these are the things that I think मुझे मिली है. मैं पढ़ बहुत रहा था इन तीन महीने में. जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं, मैं देख बहुत रहा था, मैं सुन बहुत रहा था. एक ऐसा philosophical level पे I was trying to look within me. कुछ मिला नहीं ज़्यादा, लेकिन कोशिश वो थी. तो ये जो पॉज जो मिला है ये जो कंपल्सरी शटडाउन हुआ है मेरे सिस्टम का मेरे आजू बाजू के सब लोगों का भी इनफैक्ट ऑल सिस्टम्स इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सब कुछ शटडाउन जो हुआ ऑन सम लेवल आई एम एंजॉयिंग इट आई थिंक आई नीडेड दैट एंड माय कम्युनिकेशन स्किल्स हैव बेटर्ड तो पहले तो मैं फोन नहीं उठाता था मैसेज नहीं करता था तो
कुछ लोगों को करता था, अभी मैंने वो बिल्कुल ही बंद कर दिया. मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता. सो इन दैट सेंस मुझे लगता है कुछ चीजें हुई है. बाकी अबाउट दिस सिचुएशन, बिकॉज इट इज सो स्ट्रेंज, आई डोंट नो कि क्या होगा. एंड आई थिंक नो वन इन दिस वर्ल्ड इज इन अ सिचुएशन इन अ पोजिशन टू सी द फ्यूचर राइट नाउ. एंड बट वी आर रीडिंग द सेम आर्टिकल्स, वी आर वॉचिंग द सेम प्रोग्राम, द सेम इंटरव्यू. सो मोर ऑर लेस एवरीबडी हैज अ हैंग की क्या हो रहा है, कितने केसेस 15 अगस्त तक इंडिया में हो जाएंगे, वैक्सीन का पहला ट्रायल हो गया है, ह्यूमन इस पे हो गया है, एक साल में आ जाएगा, मार्च तक आ जाएगा. तो आई थिंक कि यू नो थिंग्स विल रिटर्न टू नॉर्मल, मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, मे बी अ ईयर आफ्टर, मे बी टू ईयर्स लेटर, पर थिंग्स विल कम टू नॉर्मल. आई थिंक मैनकाइंड हैज ऑलवेज triumphed upon these situations, and I think this time also hum wo jeet lenge. Hope will return, I feel, and it will be a new world with new rules, new beginnings. But I somehow have a feeling that it will be a world of understanding, of compassion, of empathy, and I think that will thrive is what I'm hoping for. So अभी आपने जो मुझे बोला कि you were reading so much, you were actually you have all actually become homely, जो आप बहुत ज़्यादा थे नहीं, और आप साथ, जहाँ तक मुझे पता है चीजें आपको बहुत ज़्यादा personally affect करती हैं. So बेशक ही आपने इस चीज को लेकर सोचा नहीं कि but आप अगर पढ़ रहे हैं आजू बाजू की चीज आपको इफेक्ट कर रही है, हाउ डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू इफेक्ट योर वर्क? सी ऑनेस्टली इन ये जो सब 3 महीना चला उसमें आई हैवंट रियली थॉट अबाउट थिएटर एज सच, यू नो मुझे वो शायद जरूरत नहीं पड़ी थिएटर के बारे में सोचने की, क्योंकि बहुत और चीजें थी और मैं थोड़ा जिंदगी जीने में थोड़ा ज्यादा व्यस्त था, तो थिएटर थोड़ा पीछे रह गया. और मुझे पहले ऐसे लगता था कि वो थिएटर अगर खत्म हो गया तो मैं मर जाऊंगा, तो वैसा कुछ हुआ नहीं. आई एम स्टिल हियर, आई एम टॉकिंग टू यू, आई सर्वाइव. एंड आई थिंक मेरे आसपास के भी बहुत लोग हैं जिनको लगता था यार थिएटर ही जिंदगी है, उनका भी सब सही चल रहा है. तो ये भी एक लगा कि एक रोमांटिक ये ट्रिप था कि यू नो थिएटर और इसके बारे में कि, तो ऐसा लगा कि वो ठीक है, अभी तो नहीं हो रहा है. आई हैव पर्सनली स्टेड अवे फ्रॉम ऑल दीज वेबिनार्स और ये, या फिर वो जो एक बहुत लोग अभी स्टोरीज कर रहे हैं, सॉन्ग्स कर रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल, ये सबका मैं हिस्सा नहीं था, मैं नहीं बनना चाहता था काफी टाइम. पर इस दौरान मैंने देखा बहुत, जो देखा मतलब जो आपका नेटफ्लिक्स और प्राइम और ये जो सब प्लेटफॉर्म है उस पर अच्छी फिल्में और ये सब ऑब्वियसली देखा, लेकिन थिएटर रिलेटेड आई थिंक देयर वर सम एक्सीलेंट शोज व्हिच वर अवेलेबल एंड एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग, एंड आई कुडंट कनेक्ट honestly, because to me it was seeming strange, it was feeling dead, but I think that always happens, that you know you record a theater piece and you know it loses its theaterness, if I can term it like that. So wo to ho raha tha, but still sitting at home I was getting to watch plays by great directors and superb ensembles, and you know this the understanding of scenography, of handling large ensembles of varied genres, like you know there were musicals available, there were absurd theater pieces, there were absolutely popular plays which were available, great experimentation, the Globe was streaming, National kar raha tha, Shabuna kar raha tha, bahut logo ke archivals achanak available ho gaye, आगरा बाजार का मैंने
रिकॉर्डिंग देखा तो इट वॉज एब्सोल्युटली डिलाइटफुल आई थिंक एंड सो एज रिलेटेड टू माई वर्क आई डोंट नो बिकॉज यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट थिएटर देर आर एब्सोल्युटली सो मेनी टाइप्स ऑफ थिएटर दैट इज अराउंड अस जो अभी हम बात सुन रहे हैं कि ग्लोब शायद बंद हो जाएगा कोई बोल रहा है कि नेशनल में प्रॉब्लम आ गया है शाहबू में पैसे केस में है तो वो जो बंद हो रहा है ब्रॉडवे वेस्ट एंड हम उससे शायद कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनका बहुत जो थिएटर है वो एक इकोनॉमी पे बेस्ड है जिसमें हर रोज हजारों लोग काम करते हैं सबकी सैलरीज होती है वो जो थिएटर्स है वो रन करने की एक कॉस्ट होती है यहाँ पे थोड़ा मामला अलग है यहाँ पे हम मनी को एसोसिएट नहीं करते अपने थिएटर से मैक्सिमम आई एम सीइंग बट स्टिल हमारे यहाँ पे भी स्पेशली महाराष्ट्र वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कमर्शियल थिएटर आई एम श्योर बाकी भी आई सीन इन बॉम्बे ऑल्सो देर आर सम वेरी पॉपुलर शोज एंड विच दे पुल अ फुल हाउस इवन आफ्टर 50 शोज 100 शोज एंड तो उनसे मैं कंपेरिजन नहीं कर सकता I would like to speak about the theater that I engage with. And, you know, जो मेरे peers, मेरे contemporaries है, जो जिस तरह के theater करे, उसकी बात अगर हम करे, तो वो मेरा theater especially बहुत urban है. मेरे theater को वैसा कोई form नहीं है कि भाई कोई अगर folk form है या इससे कुछ जुड़ा हुआ. It's a very, very cutting edge urban theater and obviously that kind of theater has come to a standstill you know theaters not opening we can't do rehearsals we can't meet and also I think the generation of ideas so this is a very strong misconception that you know ab to time hai ab to tum bahut kaam kar loge par aise nahi hota matlab aisa thodi hota hai ki 3 mahine hai to writers ne ek 17 स्क्रिप्ट एक राइटर ने लिखी वो नहीं होता क्योंकि हमारे आजू बाजू जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते तो वो सब कुछ दैट एवरीथिंग हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल एंड फ्रॉम वेयर आई एम सिटिंग द फ्यूचर ऑफ माय थिएटर और द टाइप ऑफ थिएटर दैट आई एम एंगेज्ड विद आई फील इट इज extremely bleak it is very hazy and you know 90% of my mind says that it won't survive it will be quite difficult to survive I don't want to Mohit, Mohit I would like to say ki that theater is a dying form dying art ye to hum bahut pehle se hi bol rahe the bahut pehle se actually jab humko ye pandemic hit nahi hua tha hum tab bhi isko kehte the ki it's a dying art form aapne bhi apne bahut interviews mein actually kaha hai ki audience it makes the theater art complete but then I don't get audience So I think theater is already मतलब it is dying. I do क्योंकि वो हमें यहाँ hit करता है. तो actually आपका तो कोई problem होना ही नहीं चाहिए. Why do you think that it is dead और आप जिस तरह का काम कर रहे हो? No. The thing is I don't want to make a sensational statement कि oh theater is dead. I'm just trying to assess कि क्या हो रहा है. How is the economy going to going to behave in terms of our theater because वो मुश्किल लग रहा है मुझे मुझे जो deaths लग रही है वो in terms of talent ऐसे लग रहा है theater will survive it has survived thousands of years my point is that obviously this thing will come to a normal situation where theaters will open people will also flock to it initially my thing is I'm concerned about the content about the rigor that this kind of theater needs and so this this situation has a possibility of breaking us
यू नो विल यू इलैबोरेट अ बिट ऑन दिस, ये जो आपने कहा कंटेंट के बारे में, दैट द कंटेंट इज डाइंग, मतलब या द कंटेंट इज डाइंग, यू सी ऑनेस्टली आपका जो मेन टॉपिक है, तो आई डोंट सी दैट वी आर रेडी टू स्टैंड इन द बिग्स, दैट इज फॉर श्योर. आई एम नॉट रेडी टू स्टैंड इन द बिग्स. I'm sure. कुछ दिन पहले मेरे जो कॉन्टेम्प्रेरीज है उनके साथ एक ऐसे ही चैट पे चल रहा था, तो अदर्स वर साउंडिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द थिएटर्स ओपनिंग एंड दे हैड वर्क प्लान्ड. दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल जो मैं मेरे नजरिए से देख रहा हूँ. मुझे लगता है कि लोग आएंगे, थिएटर्स खुलेंगे, बट डू वी रियली हैव एनीथिंग टू शेयर विद देम? Is it worth जो हमको जो बोलना है जो कहना है, क्या is it worth कि वो कहा ही जाए, उसका रेलेवेंस है क्या, is it important enough? I mean actually we should have spent thinking about all this even before the pandemic, but we were in a euphoria of, I was in a euphoria, sorry, I'll try to limit this to me, but I was in a euphoria of creating, of ek ke piche ek play karna. So I just had stopped questioning myself about the kind of work that I was doing. Who is coming to watch it? And do they really need it? So I was finding ki ye nahi theek kar raha hai. Lekin theek hai, tab nahi socha to ab sochte hai. तो ये सिर्फ मेरा एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन था क्या कि ओ मैं 3 महीना रिहर्सल करता हूँ, मैं रेसिडेंसीज करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, बट व्हाट आई एम ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, इज इट रियली वर्थ? जो मेरे आसपास मुझे जो काम दिख रहा है, इज इट रियली वर्थ? तो लोग आएंगे, बट अगर हम उसका वर्थ उनको नहीं देंगे अब, देन यू नो थिएटर विल सर्वाइव द पैंडेमिक, बट kind of we will kill it. So we will be the people who will put the final nail in the coffin. Because if we continue, if we decide to pick up from where we have left, then this is a dangerous situation. Our responses have to change. Our practices have to change. Our questions have to change. Our means, the ways of doing theater, it has to change. And so we don't realize that the power of this time that we have had, this opportunity that this pause has given us. So if we waste that, if we don't respect this pause, so then yes, we are not ready to stand in the base. So we are trying to reboot this. What happens is that, you know, we have got this opportunity to reboot the system, and jab light aa jayegi to hum reboot kar denge, to lekin wo waise hoga nahi. Humko usme ka jo thoda sa jo unnecessary files thi, kachra thi, wo uske pehle hatana padega, thoda screen theek karna padega, ram badhana padega, aur aise karke hum reboot kare, jahan se choda wahan se uthayenge to. अच्छा मुझे एक बात बताइए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ पैंडेमिक, है ना? जैसे ये सब जानते हैं कि शेक्सपियर टाइम में ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से इट एक्चुअली मतलब इट टुक ऑलमोस्ट 10 years टू फाइट दिस, और उसी दौरान शेक्सपियर ने ये प्लेज एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और ये सब लिखे, किंग लियर विंग लियर उसी दौरान लिखे गए. उसके बाद भी जब कोलेरा हुआ और फिर और भी प्लेग फिर जब इंडिया में आया, वो सब हर टाइम पे लोगों ने ऐसी चीजें लिखी. इट वॉज नॉट दैट तब भी शायद सबने ब्रेक लिया होगा, बट क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था इसलिए हम इतने अवेयर नहीं थे. शायद आपने ही जब थिएटर 2000 में शुरू किया, 2002 या 3 में सार्स आया, बट हमको तो पता नहीं था कि ये सब इस तरीके से होता है, क्योंकि हर 2 घंटे में आर्टिकल, हर 2 घंटे में न्यूज आता नहीं था हमको अवेयर करने के लिए. लेकिन हम काम तब भी करते रहे, हमको पता था कि इससे से होता है, बट देन सो व्हाट इज दैट थिंग जो जिस वजह से हम इतना बैक स्टेप लेके सोच रहे हैं कि नहीं ये तो हम इससे रिकवर कर ही नहीं सकते. मतलब
वो चीज क्या है जो हमको इतना डर पैदा करवा रही है कि हम इसे रिकवर कर नहीं, मुझे नहीं सकते। मुझे नहीं लगता इस तरीके से वो हमला हुआ था पहले, मुझे नहीं लगता। बाकी जो एड्स है, मतलब अभी तो मेरे घर में ही एंटरटेनमेंट आ गया है, वो बाकी चीजें है जो अफेक्ट करेंगी। जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद भी ऑब्वियसली सब बिखर गया था, बट द थिंग वाज यू नो, मुझे डर था ऊपर से गिरने वाले बम का, और मैं सोच रहा था कि मैं किसी अंडरग्राउंड में जाऊं, मैं किसी छोटे एटिक में जाऊं, मैं कहीं, लेकिन जो मेरी लाइफ है उसको मैं कहीं से तो मिरर करूं, मैं कुछ एक्सपीरियंस करूं, ये सब था। अभी के सिचुएशन में ऐसा है कि यू नो द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी हैज बिकम अ डेंजर टू मी, एंड दैट इज क्वाइट समथिंग दैट इज वेरी यूनिक अभी। And that is why I think this makes the situation even tougher. So this is different. This is different. So is it because you really don't want to think anything about theater, that everything is coming, so you're negating everything, or it is like ki nahi mujhe sochna hi nahi hai wali baat hai? Kyunki aisa ho nahi sakta ki नहीं, मैं वापस शायद थोड़ा सा रिपीट करूंगा, लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा, मेरा वो पॉइंट ही नहीं है। मेरा पॉइंट है कि क्या अपनी प्रैक्टिस वैलिड है, ये मेरा पॉइंट है। क्या हम अभी भी अगर वही नाटक कर रहे थे जो पहले से कर रहे थे, क्या हम वही करेंगे, तो क्यों आए ऑडियंस ये नाटक देखने, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। So, do you think कि हमको इसके लिए मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि the entire literature of इतने साल obsolete हो जाए, मतलब maybe हो भी सकता है अगर आप सोचना चाहे तो, but yet जैसे लिखी गई हैं चीजें, प्लेग के दौरान लिखा गया है उसमें, और वो ऐसा है कि आप किस तरह उस चीज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। जैसे मैंने एक और किसी इंटरव्यू में ऐसे पूछा था कि बैंक्सी जो आर्ट कर रहे हैं हर जगह रेजिस्टेंस आर्ट के तौर पे, ही इज डूइंग इट, लोगों का उसका नाम पता होने के बावजूद ट्रेन से वो चीजें मिटा दी जाती है, हट जाती है, तो ऐसा नहीं है लोग करने की कोशिश नहीं कर रहे, चीज हो रही। तो इज इट दैट वी नीड टू रीइंटरप्रेट द टेक्स्ट दैट वी हैव। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले जब डाकघर पढ़ा, डाकघर में वो जो आमोल कैद रहता, शायद मैंने पहले पढ़ा हुआ था तो मैंने इसको ऐसा सोचा भी नहीं। इट वाज ऑलवेज अ एक बच्चे की कहानी जो दुखी है, किसी से मिल नहीं पा रहा, घर के अंदर बंद है, कोई उसके पास जा नहीं सकता है। बट देन इट वाज लाइक शायद हिट होना भी नहीं चाहिए था। मुझे लगा क्या ये टेक्स्ट ऐसे इंटरप्रेट हो सकता है कि मुझे क्या लगता है ना इच्छिता, द टाइम्स हैव चेंज्ड, देयर इज एन urgent need to address that and life today. So if you are talking about 5000 years old literature jo jisme humko actually sab tarah ki emotions sab tarah ke situations mil jayenge, agar aap forget baki sab, agar aap shakespeare ke 36 natak loge to usme aapko sab kuch mil jayega, aisa ho hi nahi sakta ki shakespeare mein wo ye nahi hai, but isn't it time to put that aside for some time? Do we need to create new content? And if we still feel ki no, Shakespeare makes sense, which is excellent and he does make sense, but then there is a question of reinterpreting that text, so that has to be done. If that is not done, then jo main keh raha wo wahan pe baat आ रही है। तो डाकघर आप पढ़ोगे, एक मिनट डाकघर आप पढ़ोगे और आपको लगे कि ये ठीक है, बट व्हेन यू स्टेज इट, कि व्हेन यू आर रीडिंग इट, इट इज डिफरेंट, व्हेन यू आर स्टेजिंग इट, इट विल फॉलो द सेम नॉर्म्स, द सेम काइंड ऑफ सिनोग्राफी, द सेम काइंड ऑफ पंक्चुएशन, द सेम काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स, द सेम स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, द सेम स्टाइल ऑफ डायरेक्टिंग व्हिच वी हैव बीन सीन. And then we are in a mess. So do you take this to you ki ya hum sab kuch naye sire se karenge, to aap aadhe adhure bhi karo, mujhe koi issue nahi hai. But then are you going to question the text? Are you going to question Tendulkar? Are you going to question, you do Tendulkar's play, you do Karnad's play,
absolutely brilliant plays. But then you'll have to see it in a completely new light. And are we ready to do that? And that is what, in fact, has been bothering me for the past 10 odd years. You know, people are still doing same plays, same structure, same way. So I feel that we can't get away with that this time. We will have to create it entirely again in a new way. This is my point. My next question is, वो एक्चुअली मुझे लग रहा है इससे एकदम अलग जाएगा जिस बारे में हम बात कर रहे थे. Somehow this is which I thought वो एकदम ऐसा आ भी सकता है कि for past one year artists जो थे कहीं से भी specially live art form के लोग they all were on roads shouting for this NRC, CAA, फिर कश्मीर के साथ जो हुआ और सडनली एक कोविड आया और सब बंद हो गया. सो देयर वर मेनी स्पेक्यूलेशंस कि ये मैन मेड भी तो हो सकता है. सो हाउ डू यू कनेक्ट दिस विद ये थिएटर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीइंग अबाउट it being man-made, obviously no one can claim ki ye hai ya nahi hai. I might be sounding very naive, very naive ki mujhe nahi lagta ki man-made hai. Mujhe somehow I would refuse to believe that, you know, one person matlab jo bhi hai, but people would do this to others. I prefer not to believe that. So there are conspiracy theories that, you know, man has never landed on moon. But I would like to believe that man has landed on moon. Because when I see that up in the sky, I like to believe ki wahan pe kadam rakha hai. To wo mera ye personal hai. About this whole jo aap bol rahe the, awaaz uthane ki baat hai. I have many friends who are actually activists and who have been doing great work. But I have also many friends, and me including, I am an armchair activist. There's a new term for it called a slacktivism. Slacktivism is that you sit in the comfort of your home and, you know, you post on social media and you feel that, you know, you have, you know, awaaz uthai hai, I am in the fight. You know, so those are, in a way, cultivated tears. This I'm talking about myself. I'm not blaming anyone else. But वो है. तो मुझे वो ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत जोरों शोरों से मैं आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. At Asakta हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग भी ली, एक्सपर्ट्स को बुलाया कि समझने के लिए कि ये एग्जैक्टली क्या है, ये ना. पर अगर वो मेरे काम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, अगर मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मेरे काम से, तो मुझे लगता है ये जो मैं कर रहा हूँ ना, वो बहुत वो हिपोक्रिट मैं बन जाता हूँ इससे. तो मैंने कभी उसके अलावा मैं रस्ते पे उतरा नहीं. अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट नहीं लग रहा है कि आप कश्मीर की भी न्यूज शेयर करो और दो घंटे बाद आपने जो पकौड़े बनाए हैं उसकी भी फोटो डालो और रात को और एक फोटो डालो कि कैसे मैं मिस कर रही हूँ किसी को और एक अपना गाना गाओ. तो ये तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है ऐसे. तो वो मेरे अगर काम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, द प्लेस दैट आई हैव बीन क्रिएटिंग, आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट, इफ देयर इज अ राइटर, अ प्ले राइट हु इज राइटिंग अ न्यू प्ले, एंड इफ दिस डजंट गेट रिफ्लेक्टेड इनटू हिज राइटिंग, हर राइटिंग और माय डायरेक्टिंग, देन आई थिंक आई डोंट हैव great deal to say about it, and I think मुझे कहना भी नहीं चाहिए इसके बारे में. तो ये है. हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं शायद जिनके लिए प्री कोविड और पोस्ट कोविड बोल के वो ऐसा डिफरेंशिएट कर नहीं रहे, वो उन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा है, उनको ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं लग रहा है कि वो स्टेज से डिजिटल मीडियम में आ गए हैं, उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि
कैसे मुझे पहले 200 ऑडियंस मिलता था और अभी मुझे शायद सॉरी तो हम क्या हम डिजिटल पे बात कर रहे हैं या क्या है? मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ. तो ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है थिएटर का, लोग अपनी बात पहुंचाने के लिए जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है लाइव आर्ट का, आपको लगता है इससे इससे थिएटर सर्वाइवल को मतलब हेल्प पहुंचेगी? मतलब आपका क्या टेक है थिएटर का डिजिटल होने पे? वेरी ऑनेस्टली मैंने वो एक्सप्लोर नहीं किया है अभी तक, मैंने खुद ने. तो इसलिए वापस वही है कि मुझे पता नहीं कि इसके बारे में क्या है, क्योंकि वो फॉर्म इतना नया है. वो ऑब्वियसली नया है इसलिए बहुत ही इवेजिव है, वो पकड़ में नहीं आएगा. एक नया मीडियम है, तो वो नया मीडियम अपने नए ग्रामर नए सिंटैक्स के साथ आएगा. अगर एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछने से पहले भी आपको ये पूछना है कि आप क्या समझ, मतलब मुझे जैसे सच में नहीं पता डिजिटल थिएटर मतलब क्या है, क्योंकि एक टाइम पे जब टीवी पे वो अलग अलग चैनल्स भी थिएटर रिकॉर्ड करके नाटक रिकॉर्ड करके दिखाते थे, वो भी उसके लिए डिजिटल थिएटर ही था क्योंकि वो नाटक उस पे दिखा रहे हैं. तो बहुत सारे वीडियोस मेरे पास आए थे जिन्होंने छोटे छोटे नाटक रिकॉर्ड किए हैं और उन्हें हंसी और रोने की आवाज डाली है, वो भी डिजिटल थिएटर है. लोग अपने पीसेस पढ़ रहे हैं, वो भी डिजिटल. व्हाट इज एक्चुअली डिजिटल थिएटर? नहीं, हमको नहीं पता, मैं वही बोल रहा हूँ, हमको किसी को नहीं पता है. और ये है कि वो खोज करनी पड़ेगी. मतलब अब ये नया फॉर्मेट आ गया है, तो ऐसा हो सकता है कि ये कोविड वोविड सब समझ लो कि एक महीने में सब गायब हो गया, तो मतलब डिजिटल थिएटर भी मर गया. तो नहीं, दैट्स अ न्यू फॉर्म दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड बाय एवरीबॉडी, मतलब जो इंटरेस्टेड है. अगर हम डिजिटल थिएटर अभी एक सब्स्टिट्यूट की तौर पे अगर कर रहे हैं तो बात ही अलग है. पर मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए. इट विल हैव इट्स ओन लाइफ एंड वी शुड बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर, यू नो. एक नया कुछ तो डोमेन होगा, विच इज नाइदर थिएटर नाइदर फिल्म नाइदर वेब, कुछ तो एक नया है. लेकिन वो नए की खोज करनी पड़ेगी, वो इतने आसानी से मिलेगा नहीं. तो तब तक जो ये हो रहा है कि, और मैंने सुना कि परसों एक मुंबई के जो अस्मित है उन्होंने कुछ नाटक किया था डिजिटल के लिए, उन्होंने नया नाटक उसके लिए शायद बनाया था, मुझे वो देखना है. तो उसमें शायद नाटक मैंने देखा था, वो नाटक नया नहीं है उन्होंने. पर वो नए तरीके से, तो दैट इज व्हाट इज नीडेड आई थिंक, नए तरीके से. या मैंने सुना कि विवेक मदान भी एवरी ब्रिलियंट थिंग जो लाइव करते थे वो अभी इस पे कर रहे, एंड देन ही हैज यूज्ड द स्पेस डिफरेंटली, ही इज इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस नाउ. दैट इज समथिंग दैट यू नो दे आर ट्राइंग टू पुट अ स्टेप इन सम डायरेक्शन एंड विच इज वेलकम. और अगर ऐसे ही सबने सोचा, ऐसे ही सबने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, तो शायद कलेक्टिवली हमको कुछ मिल जाए. पर रिकॉर्ड करके डालना, कुछ भी रिकॉर्ड करके डालना, उससे वो डिजिटल थिएटर नहीं होगा, वो डिजिटल नॉइज हो जाएगा. इट्स लाइक वाइट नॉइज एंड उसकी उसका कोई मतलब मायने नहीं रखता कुछ भी. एंड क्या होता है कि अगर हम बिना सोचे बिना समझे अगर हम कुछ ये ऐसा करते रहे, मतलब जस्ट बिकॉज कि कुछ तो करना है, हम तो थिएटर वाले हैं, अगर हमने कुछ किया नहीं तो कैसे. तो अगर इसलिए आप कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सा हल्का सा फिर क्वेश्चनेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि वो वाइट नॉइज इतना हो जाएगा कि लोग उसको अवॉइड करने लगेंगे कि ये नहीं यार, ये नहीं नहीं करना, ये नहीं सुनना है मुझे, ऐसे हो जाए. और लोगों को, और फिर क्या होगा ना, अगर हम ऐसे ही डिजिटल स्पेस में आ गए, देन वी आर कम्पीटिंग विद व्हाट दे आर शोइंग ऑन नेटफ्लिक्स और अमेज़न और व्हाटएवर इट इज. तो उनसे कम्पीट करना है या एक नया फॉर्म ढूंढना है, वो अंडरस्टैंडिंग हमको करनी पड़ेगी. और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है. मतलब जैसे पहले ऐसे था कि फिल्म था फिर टीवी आ गया, तो क्या टीवी में वही मजा है जो फिल्मों में मजा है? तो ऐसे था कि नहीं है ऑब्वियसली. तो फिल्म में फिर सिनेमा स्कोप आया, क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा बड़ा पर्दा चाहिए था जिसमें वो और ग्रैंड कुछ कर सकते,
ज्यादा लोग ला सकते हैं, म्यूजिकल्स हो सकते हैं, गाने हो सकते हैं, वॉर हो सकता है, वैसे वो मीडियम चेंज होते रहेगा. नाउ अभी नेटफ्लिक्स पे हमको, मतलब कोई भी ऑनलाइन ओटीटी पे हमको अलग अलग फिल्म्स देखने मिलते हैं, पर क्या वो सेम फीलिंग जनरेट करते हैं? तो मुझे पता नहीं कि क्या वो सेम फीलिंग जनरेट करते हैं. मतलब मैं अभी नेट, मतलब ओटीटी में टीवी पे देखता हूँ, तो जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया में जो एक बड़े स्क्रीन पे सूरज दिखना जो इम्पोर्टेंट था, वो अभी मुझे इतना सा सूरज दिख रहा है. मुझे प्यासा में जब वहीदा जाने क्या तूने कही करके वो पिलर्स के पीछे से जाती है, तो अभी मुझे छोटे से इसमें उस वहीदा को और वो बड़े पिलर्स को देखना पड़ता है. या फिर डॉक्टर जिवागो में एंथनी क्विन की बैर इतनी बड़ी पीठ दिखती है, एंड इट डज समथिंग टू यू. वो नहीं हो रहा है, पर नाउ आई हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि नहीं यार मुझे इस पे तो इस पे देखने दो, और मैंने वो बात निगल ली. मैं खुश हूं अभी इसमें देखने. तो अगर मैं वो सब डिजिटल में देखने लगूंगा, आपकी कहानी, आपके गाने, आपका नाटक करने की कोशिश, तो फिर मुझे वो आदत लग जाएगी, और जब मैं वापस अगर थिएटर कभी पहुंचा तो मुझे ये थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा. या तब तक मैंने अपना माइंड डिसाइड किया होगा कि यार ये इसमें तो मजा ही नहीं, तो मैं वो क्रॉस कर दूंगा थिएटर पे. तो वो बहुत मुश्किल है. तो हमको जो करना पड़ेगा वो नए सिरे से करना पड़ेगा. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी एग्जांपल दे रहे हैं वो फिल्म रिमेन्स अ फिल्म, टीवी सीरियल रिमेन्स अ टीवी सीरियल, लेकिन थिएटर की जो डेफिनेशन जो एक लेमैन भी कहता है, इट इज अ लाइव आर्ट फॉर्म. मतलब लाइव मतलब इट हैज टू बी लिविंग, आपके सामने, आप उसी को देख रहे हैं. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, यस. सो माय पॉइंट इज कि हमने अभी ये बात भी गृहित कर ली है, ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड, कि मैं अगर आपको भी पूछूं, समझो किसी भी फिल्म और जो नाटक में दोनों में काम करने वाले एक्टर को पूछूं आपको कौन से मीडियम में ज्यादा मजा आता है, मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि नाटक, क्योंकि नाटक जिंदा होता है. मतलब तुम्हारे सामने कोई जिंदा आदमी करता है. तो क्या होता है एग्जैक्टली लाइव आर्ट, मतलब क्या? तो जो मेरा वो पहले का पॉइंट था कि हम दरवाजा तो खोल देंगे थिएटर के लिए, तो क्या ऑडियंस को अंदर आना है सिर्फ ये लाइव आर्ट है इसलिए, या उस लाइव आर्ट में वो जो जिंदगी है, वो जो लाइव पना है, वो मुझे महसूस हो. और अगर हम वही काम जो पहले कर रहे थे वो करेंगे, तो वो अंदर कुछ मर चुका है, तो वो लाइव नहीं रहेगा भले ही तुम लाइव करो. और वो मेरा पॉइंट है. मैं एक छोटा कुछ पढ़ के सुनाता हूँ कि व्हाई थिएटर एट ऑल, व्हाट फॉर, इज इट सर्वाइविंग लाइक एन ओल्ड मॉन्यूमेंट और अ क्वेंट कस्टम, व्हाई डू वी अप्लॉड एंड व्हाट डू वी अप्लॉड, हैज द स्टेज अ रियल प्लेस इन आवर लाइव्स, व्हाट फंक्शन कैन इट हैव, व्हाट आर इट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज, द प्रोसेस हैज हार्डली बिगन एंड परहैप्स कैन नेवर एंड. The theater needs its perpetual revolution. Perpetual revolution. All through the world, in order to save theater, almost everything of the theater still has to be swept away. Sab kuch. Today is different. We do not know how to celebrate because we do not know what to celebrate. The theater is hardly wanted and its workers are hardly trusted. So we cannot assume that the audience will assemble devoutly and attentively. It is up to us to capture its attention and compel its belief. Samajh mein aa raha hai? All the time, batteries have to be replenished. New faces, new ideas have to be found. But to do so, we must prove that there will be no trickery, nothing hidden. We must open our empty hands and show that really nothing is up to our sleeves. Only then can we begin. तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ जो पुराना है वो छोड़ दो, वो निकाल दो और नए सिरे से स्टार्ट करो. अब अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये पीटर ब्रुक ने द एम्प्टी स्पेस में कहा है 1967 में.
लेकिन हमको अभी भी डाकघर ही करना है, लेकिन हमको अभी भी वही पुराने नाटक करने हैं। हम कुछ भी स्वीप अवे करने के लिए तैयार ही नहीं है, और हमको लग रहा है शायद उसमें भी वो बात है, उसमें भी वो जो पॉइंट है ना, वो आज के जमाने से आइडेंटिफाई करता है। तो भाई फिर आज के जमाने की बात कहो, हमको वो मत बोलो कि रामायण महाभारत में क्या हो रहा है उसकी कथाएं सुनाओ, लेकिन हमको ये बोलो कि तुम अभी के गवर्नमेंट से उसको जोड़ो। मुझे लगता है एक पॉइंट आ गया। मैं मेटाफर्स, मैं सिंबोलिज्म, इसके बारे में आई एम नॉट कमेंटिंग दैट हार्ड, बिकॉज इट हैज इट्स ओन ब्यूटी, एंड समटाइम्स इन थिएटर अगर हम सीधी बात ना कहे, किसको सिंबोलिज्म के थ्रू कहे, मेटाफर्स के कहे, तो वो बात ज्यादा पचती भी है, हजम होती है, और कभी कभी ज्यादा समझ भी आती है। और मुझे लगता है अभी एक टाइम आ गया है कि जरा डायरेक्ट बात करने का, जरा डायरेक्ट एड्रेस करने का, और इसलिए मुझे लगता है कि ये बात छोड़ दो। आप कोई भी नाटक लो पहले का, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द प्लेस कुछ तो अभी के जमाने से ये, बट दोज लिंकेजेस यू आर मेकिंग एज एन एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल एलिटिस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि आप उस नाटक पे 2 महीना काम करते हो, तो जो ऑडियंस आती है आप उनको 2 घंटे में ही वही पुराना नाटक और उसी स्टाइल से बनाया हुआ उसी लैंग्वेज में सुनाना चाहते हो, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप नए स्टाइल से इसको देखो। कैसे? ये कुछ ज्यादा उनपे ज्यादा बोझ डालने जैसा नहीं है ऑडियंस पे, तो भाई फिर अपनी बात कहते हैं, अपने स्टाइल से कहते हैं, शायद उतने अच्छे नाटक नहीं बनेंगे, शायद जो अभी नए प्लेराइट्स लिख रहे उतने पावरफुल स्क्रिप्ट्स नहीं लिख रहे, लिखेंगे तो डायरेक्टर को भी उनको पुश करना पड़ेगा, एक्टर्स को डिमांड करना पड़ेगा, ऑडियंस को बताना पड़ेगा कि ये हमको नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, लेकिन उसके लिए मौका तो दो, उसके लिए ग्राउंड तो क्लियर कर, और फिर देखते कि क्या होता है। और उसकी बेहद बेहद ज्यादा जरूरत है, समझे? शायद अभी वो मैं पहले के सब पॉइंट्स कनेक्ट कर पाए। मुझे एक्चुअली भी ये अभी जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हम अगर ये पोस्ट कोविड, ये कोविड शब्द हटा भी दे तब भी आप कह रहे हैं कि ये चाहे कोविड होता या ना होता, exactly, हमें exactly. हमेशा ही चेंज चाहिए ही था, exactly. तो सोचने का टाइम चाहिए था, और अभी क्या कर रहे थे, अभी वो टाइम मिला है हमको, और अगर अब की बार हम वेस्ट करेंगे तो फिर नहीं बचेंगे भाई। फिर मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो मैं OTT पे या अपने लैपटॉप पे देखता हूँ वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे अभी काफी सारे, मतलब मेरे नाटकों में, नाटकों के बारे में मैं क्या बोलूँ क्योंकि वो क्रिएट किए हुए है तो, लेकिन बहुत एक्साइटिंग मुझे नहीं लग रहा है आसपास का ये तो, और ये अभी मिला है हमको चांस, तो लेट्स ग्रैब इट, लेट्स डू स्टफ, एंड उससे शायद फिर ये होगा कि कोविड से तो थिएटर बच गया और हमने सबने भी उसको एक अलग आयाम देने की कोशिश की, एक अलग मुकाम तक लाने की कोशिश की, और अब नए सिरे से देखते कि थिएटर को कैसे इवॉल्व करें। मैं अपना लास्ट क्वेश्चन पूछूं, उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस कि अगर आपके पास कोई भी सवाल हो आप हमारे चैट बॉक्स में वो डाल सकते हैं ताकि हम वो मोहित को बता सके और आपका नाम लिया जाएगा, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मोहित आपसे पूछते हुए, आपने ऐसे कहा कि इस चीज की जो प्रिपरेशन है, अभी आज से कुछ दिनों पहले एक और वेबिनार में मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था आर्टिस्ट को, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हर शख्स को आत्मनिर्भर होना चाहिए, आर्टिस्ट को आत्मनिर्भर होना चाहिए, एंड इट लाइज इन दैट प्रोसेस जिस जो आपको आत्मनिर्भर बनाता है। प्रोसेस यू थिंक कि आर्ट, चाहे वो डायरेक्टर हो, वो क्या प्रोसेस है? मतलब आपने बोल तो दिया हमें होना है, बट देन वॉट? Okay, so every, मुझे क्या है ना कि 2-3 चीजें हैं, मुझे लगता है कि वो एक इतना, वो क्या है थिएटर, तो ऑब्वियसली मतलब वो अप्लॉज जो होता है या जो उसे मजा आता है और ये सब है थिएटर,
लेकिन उससे ज्यादा जो प्रोसेस एक रूम में 10 लोग मिलके जो बनाते हैं, वहां पे थिएटर एक्चुअली होता है. दैट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर वो नहीं है तो देन इट इज वो थिएटर को मैं थिएटर कैसे बोलूं, मुझे नहीं समझ में आता. और इसके बारे में मुझे लगता है कि आप, मैं हाई स्टैंड लेके ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे टाइप के नाटक, आप कोई भी नाटक करो, आप रोमांटिक नाटक करो, आप म्यूजिकल्स करो, आप कॉमेडीज करो, कोई भी नाटक करो, लेकिन उसमें अगर वो शिद्दत नहीं है तो फिर तो मुश्किल है. तो मैं उसको भी थिएटर कैसे करूं. तो अगर एक्टर्स को डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन वो दिख तो नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा है. एक एक्टर को वो इतना इतने नाजुक इसमें रहता है ना, वेरी वल्नरेबल. जब पहले दिन की रिहर्सल होती है तब जो एक्टर दिखता है हमको, वो इज लाइक यू नो ऐसा ऐसा वो अंदर से हिल रहा होता है वो, और उसको नहीं पता होती है चीजें, और उसको धीरे धीरे फीड करना पड़ता है कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है, एंड देन ही स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग. आप कितने भी बड़े एक्टर को, अच्छे एक्टर को ले आओ और उसको बोलो पहले दिन, क्योंकि आप जहां भी जाना है, चाहे आप मूव हो सकते हो, रुक सकते हो, वो नहीं करते, वो एक जगह पे फ्रीज हो जाते. बड़े बड़े अच्छे क्यों होता है, क्योंकि उनको एक थर्ड आई, एक आउटसाइड आई की जरूरत होती है, और वो हम नहीं मना कर सकते. तो अभी जो मैं एक कहानी का जो देख रहा हूँ सब जगह पे, तो वहां पे वो समझ में आ रहा है कि एक्टर्स को जरूरत ही नहीं है डायरेक्टर्स की, तो अच्छी बात है. पर वो कहानी सुनते हुए मैं साफ कह सकता हूँ कि इस वक्त इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो तैयार है ही नहीं, वो एक कहानी बताने के लिए भी तैयार नहीं है. वो पढ़ रहे हैं और उनको वो पढ़ते वक्त भी उस उन शब्दों का जो कोरिलेशन है वो नहीं समझ में आ रहा है. उन्होंने शायद 5-6 बार पढ़ी होगी वो कहानी हमें प्रेजेंट करने से पहले, लेकिन नहीं समझ में आ रहा. सिर्फ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, क्या सिर्फ डायरेक्टर्स सेट को डायरेक्ट कर सकते हैं, या किसको, लाइट्स को डायरेक्ट कर सकते, उसको एक्टर्स जरूरी ही है. तो वो एक आर्ट है, और डायरेक्टर्स को सिनोग्राफर्स की, उनके कॉस्ट्यूम डायरेक्टर्स की, लाइट डायरेक्टर्स की सबकी जरूरत है. एक्टर्स को, सिनोग्राफर्स को एक्टर्स की जरूरत है. वो पूरा एक फॉर्म है वो, जिसमें लोग एक साथ आते हैं और काम करते हैं, तो और उसी से वो बनता है. अगर आप एक भी एलिमेंट उसमें से हटा दो तो वो आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, और वो ये कला वैसी नहीं है आत्मनिर्भर बनने की. तो मुझे लगता है कि ये नए इसमें, इनफैक्ट जब भी खुलेगा और जब भी अगर लोग काम करना चाहेंगे, मुझे लगता है कि सोलोज नहीं करने चाहिए. अभी नहीं तो वो ट्रेंड आ जाएगा, सोलोज नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए. क्योंकि तुम्हारे सोलोज में तुमको डायरेक्टर रहे तो अच्छा हो. ये सब कॉम्पोजिट काम होना चाहिए, एक साथ एक डेमोक्रेटाइज होना चाहिए सब कुछ. आपको जरूरत नहीं है फिर भी एक मिनट सिनोग्राफर्स अंदर आने चाहिए. मैं जो डिजिटल थिएटर बोल रहा हूँ, अगर वो कर रहे, ये मंजूर है कि जूम के 5 खिड़कियों में 5 एक्टर्स है, ये अपनी लिमिटेशन है, लेकिन उस डिजिटल थिएटर में भी सिनोग्राफर्स इन्वॉल्व होने चाहिए, उसमें भी कॉस्ट्यूम्स इन्वॉल्व होने चाहिए, तो फिर शायद वो एज अ ग्रुप जो काम है वो बाहर उभर के आएगा. क्योंकि हमको एक तो अभी हम तंग आ चुके हैं लोगों के घर के पंखे और वार्डरोब देख के. वी शुड स्टॉप दैट इमीडिएटली, वी शुड क्रिएट दैट स्पेस. हमको अभी वो अगर जूम की खिड़की जो है वो लिमिटेड लग रही है, तो पहले तो थिएटर भी लिमिटेड ही है ना. थिएटर भी तो 40x40 का स्क्वायर ही है, उसमें हमने ढूंढ निकाला ना कितना कुछ हो सकता. वैसे ही शायद इस खिड़की में भी शायद हम निकाल पाए, और हो सकता है कि नहीं निकाल पाए, तो तब हम उसको फेंक देंगे. लेकिन अगर जब हम खोज रहे हैं तो हमको खोजना चाहिए. अभी जैसे है कि ये, तो जैसे मैं बोल रहा था कि सब लोग एक साथ होंगे तो शायद हम कुछ नया ढूंढ पाएंगे. एक
छोटा एग्जाम्पल है कि सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोदो, तो उसमें दो लोग राह देख रहे होते, वहां व्लादिमीर भी है, वहां एस्टेगोन भी है. अगर उनमें से एक ही बेकेट रखता तो वो वेट उतना इंटरेस्टिंग और स्ट्रांग नहीं होता, और वो वेट वेट का कोई मीनिंग नहीं रहता, उसका कोई वेट नहीं रहता. बट उसको दो लोगों की जरूरत है. क्यों है? क्योंकि उसको डायलॉग लिखना है, इसकी जरूरत बेकेट को वो कभी जरूरत नहीं पड़ी कि भाई मुझे दो लोग दो तो मैं डायलॉग लिखूंगा. वो दो लोग है इसलिए वो वेट एक साथ कर पाते हैं. तो इसमें वो डायरेक्टर के साथ एक्टर, उसकी टीम, उसका प्ले राइट, ये अगर सब साथ है तो शायद ये वेट जो हम राह देख रहे हैं, जो गोदो आएगा आएगा कोविड के बाद, तो शायद वो वेट थोड़ा आसान थोड़ी आसान हो जाएगी. तो उसके लिए हमको एक साथ काम करना पड़ेगा. प्रिपरेशन का जो आपका सर प्रिपरेशन का एक सवाल था आपका, तो कैसे प्रिपरेशन करें? तो दूसरा एक जो एकदम स्टैंडर्ड स्टॉक आंसर होता है, थिएटर आपके लिए क्या है? थिएटर मेरे लिए जिंदगी है. मेरे लिए थिएटर जिंदगी एक आईना है जो जिंदगी दिखाती है. तो उस आईने में जिंदगी भी तो होनी चाहिए, तो हमारे अंदर भी तो वी शुड स्टार्ट लिविंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड. जो हम थिएटर वालों को लगता है ना कि वी आर इन सम अनदर आइवरी टावर, वैसा नहीं होता है. यू टू स्टार्ट लिविंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, द रियल वर्ल्ड, नॉट इन योर माइंड्स. एंड सो देन मे बी दैट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर आर्ट, इन व्हाट यू डूइंग, एंड देन यू कैन राइटफुली से दैट यू नो थिएटर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. अगर वो नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है. जो आर्टिस्ट होते हैं, और आर्टिस्ट मतलब मैं सभी, मुझे लगता है ब्रुक ने ही एक जगह पे ये कहा है कि जो आर्टिस्ट होते हैं, डांसर्स, एक्टर्स, एवरीबडी, दे आर लाइक अ गार्डन, जिसमें आप तरह तरह के पौधे लगाते हो आपके मन के अनुसार, और आपका एक गार्डन बन गया. लेकिन वो कॉन्स्टेंटली तुमको वीड आउट करना पड़ता है, क्योंकि वीड जमा होता जाता है. और वो एक बार करने से नहीं होता, वो बार बार करना पड़ता है, तब वो गार्डन गार्डन रहेगा. तो अभी वो जरूरत है कि सब वीड बाहर फेंक दो, और ये रेगुलरली. अब वापस कोविड नहीं चाहिए ना हमको, तो वापस ये पॉज अगर नहीं चाहिए तो वो रेगुलरली करना पड़ेगा. दैट इज द प्रिपरेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. वी विल हैव टू डू इट रेगुलरली. वी आई हैव सो मेनी एक्टर फ्रेंड्स, डायरेक्टर फ्रेंड्स who don't read, and which is a shame. क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या क्या प्रॉब्लम है पढ़ने में? क्यों नहीं देख रहे चीजें? क्यों नहीं सुन रहे चीजें? और अगर ये हम सब करने लगेंगे तो वो हमारे आर्ट में रिफ्लेक्ट होगा. बहुत से लोग, मेरे दोस्त ऐसे कि जिनके पास 250 GB, 500 GB, 600 GB दुनिया का सिनेमा है, दुनिया का, बर्गमन ले लो, तारकोस्की ले लो, ये ले लो, किसलोस्की ले लो, देखा नहीं है उसमें से कुछ भी. एक साइट है अभी जो नई आई है, इट्स फैंटास्टिक. ये मुझे लगा कि एक कोई तो साइट है जिसपे अगर हम क्लिक करें तो जो जो दिन का प्रहर है उसको ये करने वाले इंडियन क्लासिकल म्यूजिक उस पे चलता रहता है, एंड एज द डे प्रोग्रेसेस वो चलते रहता है. दैट्स अ ट्रेजर, खजाना. तो लोगों के पास वो ऐप रहेगा, लेकिन मेरे को सुनना नहीं है. लोग आपको ये जरूर पूछेंगे कि आज का वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है, वो मतलब है यूट्यूब पे, मुझे देखना नहीं है. अभी जो हुआ कि हाँ मुझे वो, हम बोलते कि नहीं नहीं यार वो टीवी पे वो नाटक का मजा नहीं, बट कैन यू इमेजिन, आप ट्रेवल नहीं कर रहे हो, आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आपको केटी मिशेल, साशा वॉल्ड, आपको ऑस्टरमायर, आपको स्टाइन, ये सबके नाटक आपको घर में देखने को मिले थे, पर हमने वो नहीं देखे, क्योंकि हमको गुलाबो सिताबो देखना ही था उस दिन, क्योंकि उसके बाद तो वो अवेलेबल ही नहीं होने वाला था. क्या करें, हमको भोसले देखना ही था, क्योंकि अगर उस दिन नहीं देखा तो मैं
दुनिया के इसमें अपडेटेड नहीं हूं। तो ऐसा सीरियसली हमको लगता है दो चीजें शायद सबसे ज्यादा लोगों ने देखी, एक था साइमन का एनकाउंटर, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि अरे बहुत गजब बनाया, बहुत गजब बनाया, अरे ऐसे कान में बहुत कमाल आता है, इसलिए ज्यादा थोड़े ज्यादा लोगों ने देखा वो। दूसरा है कि वो बेनेडिक्ट कंबरबैच का, वो बेनेडिक्ट कंबरबैच है इसलिए वो फ्रैंकेंस्टाइन देखा गया। नाउ दिस इज आई मीन दिस किल्स माय हार्ट, सीरियसली यू आर सेइंग दिस। और एक वो ट्रेंड बन जाता है कि मैं अभी कितने इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, तो होमो सेपियंस ब्रीफ मैनकाइंड, क्या जो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इट्स अ फैंटास्टिक बुक, बट बिकॉज बाकी लोग पढ़ रहे हैं सबको वो फोटो डालनी है कि मैं भी ये पढ़ रहा हूँ, जैसे एल्केमिस्ट का हुआ था पहले। तो हमको वो नहीं देखना है, हमको नहीं देखना है कि क्या है आसपास, और अगर हम वो करें तो शायद वो प्रेपरेशन जो है उसके हम स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा है कि ये लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आपको नहीं करना है ये सब कुछ, मत करो। अच्छा है ये जो एक मेरे साइड से भी एक ऐसा एक उसको भी एक एलिटिस्ट ये मिल जाता है कि अरे तुम पीटर ब्रुक पढ़ो, तुम साशा वॉल्फ देखो, तुम ये करो वो करो, नहीं करना है तो कुछ मत करो, ये पॉज जो है वो अंदर ले लो अपने और रुको, थोड़ा रुको, कुछ मत करो, बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर तुमने अभी नहीं किया ये सब तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर का एक्टर मर जाएगा, थिएटर मर जाएगा, नहीं नहीं नहीं, पर लेकिन फिर कुछ मत करो, फिर आके अनरिहर्स कहानियां भी मत पढ़ो। वो जो एक कंपल्शन हो गया है कि दूसरा कोई कर रहा है इसलिए मुझे कुछ करना है, इट्स अ फैंटास्टिक टाइम टू टेक अ पॉज। एंड पॉज का राजीव नाइक जो हमारे दोस्त है जो थिएटर स्कॉलर और प्लेराइट, उन्होंने बोला पॉज का मीनिंग नाटक वालों को अगर बताने की जरूरत पड़ रही है तो थोड़ा हमको तो पता है पॉज का मीनिंग क्या है और वो पॉज कितना भारी और इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो कैसे बदल सकता है चीजें। तो ये जो उनका राजीव नाइक का कहना है कि अगर किसी एक्टर को लग रहा है कि वो बहुत बड़ा एक्टर है और वो परफॉर्म कर रहा है और अगर वो विंग में थोड़ी देर चला जाए तो अगर उसको ये डर लग रहा है कि लोग उसको भूल जाएंगे तो फिर वो एक्टर क्या बोले उसको, तो उसको पता होना चाहिए भाई मैंने मेरा डिलीवर किया है, अभी मैं मेरे एंट्री में बाद में आऊंगा, वो होगा एंट्री 6 महीने बाद, लेकिन ही शुड बी श्योर कि वो तब भी याद रहेगा और वहां से मैं नया और कुछ करूं, वो पॉइंट। ओके थैंक यू मोहित, आई सपोज मेरे सवाल तो अभी के लिए ओवर हो गए हैं, मुझे और बाकी लोगों से बातचीत करने बाद अगर कुछ मिला तो ग्रेट। हमारे पास अस्मित है, अस्मित आपको कुछ पूछना चाहते हैं। हाय अस्मित, हाय अस्मित, हाउ आर यू? हाय 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 हाय, आई मिस योर प्ले मैन, सॉरी। इट्स ओके, वी हैव अ वीडियो आई कैन सेंड यू। ये यस बोलो थिएटर सो टू से। ओके टू क्वेश्चन, अच्छा इप्सिता एम आई सपोज टू आस्क दीस क्वेश्चंस या फिर वो लिख के भेजा था, मैं ही पूछूं ना? नहीं पूछिए यू आर सपोज टू आस्क दैट क्वेश्चन। ओके कूल। ओके सो मोहित, द वे यू स्टार्टेड सेइंग ही इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस, इन टर्म्स ऑफ दिस होल आइडिया ऑफ यू नो सो मच हैज बीन एक्युमुलेटेड एंड नाउ इट्स टाइम, दिस इज अ गुड टाइम टू यू नो जस्ट पुट एवरीथिंग ऑन द साइड एंड सॉर्ट ऑफ think about things in a newer manner. Then you also said thing where you said ki abhi aadhe adhure karne se kya fayda, ya phir you know somewhere we have to look at a new lens of looking back at things also and looking ahead. So mera sawal ye tha ki there might be a few works that have become more relevant now than before. No, of course I'm sure, but my point Asmit is not to you know Sorry. Your point about reinvention aside, I understand that totally. How do you see looking back at the past through this newly developed lens of today? I mean, how do you see looking at the past instead of putting the past aside? How do you consider looking at the past through this newly acquired lens of today? Because as you said very rightly, with this whole
the social media frenzy and the political frenzy, whatever is happening around us, certain inherent human things that have come out of us, inhuman things that have come out of us, are also a great reflection of what we have been. True. So, okay, you finished your question? So in that sense, So no, I think that it's a good idea. It has always my only problem is to you know, be in that bubble of nostalgia that bothers me. And it's a great idea ki abhi ke isme se us lens mein se agar past ko dekhe. I think uska time aayega. Mujhe lagta hai kuch time ke baad hum wo bhi karna start karenge. Abhi ki lens to mile, abhi ki lens hi shayad nahi mili hai. Humne wo identify hi nahi kiya. So mujhe lagta hai ki abhi ke liye, for some time, for say 1 year, 2 year, should we push ourselves and, you know, through that new lens, we're trying to find the lens, through that lens, trying to see the today's time, like the time that is coming, and then maybe we can look at the past again. I'm not saying that discard the text forever, but if right now we don't put that foot forward, then the problem is something else. And the point is that maybe there would be 4, 5, 10, 50 people who might find that exact lens to look back on the texts that are already there. But when they start doing it, there will be 125 more who would not have found the uska jo kya ahmiyat hai, kya uska crux hai, ye na samajh ke, they will also be looking jo piche hai. And that is very, very dangerous. You're saying so the herd, agar mentality. herd mentality and herd mentality, and the other thing is that, you know, true. Okay, I understand. Kyunki mujhe kya lagta hai na Smith, kya hota hai ki jaise abhi world war and everything uske baad jo hua na, so you had only one Beckett, one Artho, right, one Brecht, char panch hi log the, unhone apna kaam kiya. So agar dark jaisa we had this luxury of going back, I'm sure ki Beckett ke natak bahut kam log dekhte, Artho ka theater of cruelty bahut kam log dekhte. Aur world war ke baad ye jo aaya tha ki thoda sa logo ko khush karo, matlab wo khushi mehsoos ho, itna safar kiya hai. So that was also a wave jab bahut bade musicals aane lage, jab bahut stage pe taam jham hone laga, to ke logo ko attract karna tha. But it took only one few people to actually put that foot forward. So if you have that lens already, then let's step ahead. Jo hai unko milega. So main ye nahi keh raha hu ki natak ek jaisa ho, har ek ka natak alag alag hoga, koi मतलब, और उसमें कुछ भी ऊंचा नीचा ये नहीं है, जिसको जो लगता है वो नाटक करेगा, लेकिन उसमें का ट्रुथ अगर हम भूल रहे हैं, then it's a point of concern. I think ये सवाल चलता आ रहा है pre-COVID. I just want to point out कि that whenever I don't like a play, I sneak out in the interval, you know, in that sense I can also show that, you know, I was there for your play, but I didn't torture myself enough and I saved myself. So this is the point where, you know, people who want to leave can leave. क्या कभी ये direct reference करने की बात, ये एक socio-political choice है तुम्हारा as a creator, as an artist. Has it ever conflicted with your aesthetic choice of design, of what you, how you look, or a form वाला choice? And I mean, I believe there have been so many moments, but ये जो एक dilemma है socio-political, किसी चीज़ का socio-political importance and in the way in which you express it, making the aesthetic choice that you, that sometimes it's very important for this particular socio-political choice, aesthetically वो थोड़ा सा तुमको लगता है कि यार ये compromise है, ये ठीक नहीं बैठ रहा है. Probably if I lose this socio-political importance, my aesthetic might, my form might be more
outreaching. Has there ever been such a dilemma? How do you deal with it? Yeah, but see, honestly, this the question of aesthetics is already thoda sa fine line pe hi chalta hai ki what is aesthetic to me might look extremely contrived to you, or it doesn't resonate in the same way. So that always happens. And the problem, my friend Iravati Karnik, she always says ki mera jo aesthetic hai na, it is very bold. It is like an oil painting. And I always feel that, you know, for example, Neil Chaudhary jaise kaam karta hai, his aesthetic is very transparent. Usme quality bahut alag hai. And mujhe wo agar mile to maza aayega. This socio-political thing is a point of bother always, because essentially, under say, I'm not so politically aware. I don't also respond politically well, because I'm ill-informed, because there's no good research to it. And but I've been doing political plays because the playwrights have pushed me to. Like Ramu has pushed me to do Comrade Kumbhakar. Makran Sate has pushed me. Abhi Amir Nizar Zuhabi, that text has pushed me. But in the core of it, I think I am a very emotional person. I look at things through that emotional lens. So even if you take a Yusuf, which is like a strong statement on the whole Palestine and the Israeli occupation of it, my lens is quite emotional to it. And that I have always been struggling. But that is how I am. Like, for example, in Chaheta, you know, it talks about the three religions of Christianity and Islam and Judaism and this thing. And I am, I've worked on it, on the aesthetics of it, on the colors of it, on the acting style of it, and everything. So, wo kaam kiya hai. But I cannot deny that, you know, I am a Hindu. And I am doing a play in India about Christianity, Islam, and Judaism. Kya main Muslim hoon, India mein hoon, aur kya main ye natak kar sakta hoon ki ek Hinduism, Christianity, aur Judaism. So, nahi. So, ye conflicts jo hai, ek kind of ek jo appropriation hai sabke bare mein, वो है एंड वो भी आई मीन दैट्स माय वन ऑफ माय बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑनेस्टली. मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे, बिकॉज आई हैव वर्क्ड विद मोहित एंड आई हैव आल्सो वर्क्ड विद पीपल, क्योंकि यहाँ पे पूर्वा है इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि जब मोहित के साथ कॉमरेड कुंभकर्ण किया था तब एक्चुअली उसमें ऐसे सीन थे जो इंटरोगेशन होता है कुंभकर्ण का, और मोहित वाज प्रिपेयर्ड कि हम ये दिल्ली में कर रहे हैं और लोग देखने आएंगे, तो हम इस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रेट लिखा हुआ था, नाटक लिखा हुआ था, और उसने कहीं से मोल्ड करने की कोशिश नहीं की. उसी वक्त जब मैंने दिल्ली में पढ़ाई की, और उसके अंदर जब बॉम्बे में नाटक करने आई, पूर्वा शी सच अ ब्रिलियंट राइटर, वो लिखती है, और हमेशा थिएटर इसी चीज के लिए जाना गया है कि हम साफ बोलते हैं, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स में बंद कर पूर्वा ने ऐसा किया कि उसको चीजें काटनी पड़ी. जब हमने हमें ज़ूम किया, पूर्वा आर यू हियर, आर यू लिसनिंग टू मी, हाँ, तो आपको चीजें काटनी पड़ी, है ना. तो ये जो होता है कि अगर कहना है तो साफ कहते हैं, नहीं कहना है तो हम ना कहें. ये इस चीज का जो स्ट्रगल है कि फिर हम वापस से देखते हैं ये लेंस में जाके कि क्या करना है, इस पे ये कैसे डील की जाए, क्योंकि कोर तो हमें पता है ना, हमें क्या कहना चाहते हैं, हम ये समझ रहे हैं कि सामने वाला क्या समझ रहा है, बट स्टिल हमें उन्हीं को समझाने के लिए चीजें काटनी पड़ती हैं. तो व्हाट इज दिस, इज सम काइंड ऑफ फ्रीडम और या कंस्ट्रेंट, क्या है ये?
I don't know. I should ask this to Mohit Apurva. This is a आप दोनों आपस में भी actually इस बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि उनके साथ मैंने कॉमरेड किया और आपके साथ मैंने जून किया. दोनों political play है. तो क्या आप क्या कहोगे, मुझे जानना है इस बारे में. मैं बोलूं मोहित पहले? हाय मोहित. जब तो मेरे सामने जब सवाल था जून करने का, जून उस समय हो रहा था जब 5 अगस्त हो चुका था. जून इनफैक्ट ग्रीन लाइट ही जब हुआ तो मुझे बहुत ताज्जुब था कि ग्रीन लाइट हुआ कैसे ये, क्योंकि 5 अगस्त हो चुका है और ऐसे कैसे ग्रीन लाइट कर दिया इन्होंने, तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है. पर फिर मुझे लगा कि शायद क्योंकि उसका नाम जून है और वो जून की कहानी पर ही फोकस कर रहे हैं, शायद इस वजह से उनको लग रहा है कि ये वही कहानी होगी कि एक राजा और एक रानी और उनके लव स्टोरी और उनके गीत और जुदाई और विरह और वो सब. बट वो तो नाटक नहीं बना सकते थे हम. उसमें भी अगर हम वो भी नाटक बनाते, उस कहानी में भी हमको अपना उस समय का आर्ग्यूमेंट ढूंढना था, मुझे ढूंढना था. तो मेरे लिए वो ज़रूरत थी कि मैं जून की कहानी में भी ढूंढूं उस आर्ग्यूमेंट को. और सिर्फ जून की कहानी नहीं कहना चाह रही थी मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था अंदर से एक कॉलिंग थी. मैं जून की कहानी में भी ढूंढ सकती थी वो आर्ग्यूमेंट, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, तो इसको एक मॉडर्न चैप्टर देना चाहिए. और वो करते करते 5 अगस्त हो गया और एक्चुअली जून 5 अगस्त के बाद एक पॉइंट पे रिडंडेंट हो गया. ये जो बात मोहित कर रहे हैं ना कि पोस्ट कोरोना कुछ चीजें रिडंडेंट हो रही हैं, वो मैं एज अ राइटर महसूस कर रही हूँ कि हर बार हो रहा है. मतलब पहले वहां पे अफ्सपा था, तब नाटक कुछ और था, फिर 5 अगस्त हुआ, फिर लगा नाटक रिडंडेंट हो गया. अरे ये तो अब रिडंडेंट ही हो गया, ये पूरा आर्ग्यूमेंट ही रिडंडेंट हो गया. उसके बाद फिर वहां से हटे तो CAA आ गया, फिर NRC आ गया, और हर पॉइंट पे लगा कि हमारे सारे आर्ग्यूमेंट, हमारा सारा जो कुछ हम लिख रहे हैं. एक पॉइंट पे मुझे लगा ईदगाह के जिन्नात भी रिडंडेंट हो गया क्या. मतलब कितने नाटक मुझे लगा कि रिडंडेंट हो गए. रिडंडेंट से मतलब पूरी तरीके से खारिज नहीं किए जा सकते वो, क्योंकि उनके अंदर और भी कुछ चीजें हैं जो सिवाय पॉलिटिक्स के हैं, मतलब जो आप ढूंढेंगे उनमें. लेकिन बाकी सब बहुत जल्दी जल्दी रिडंडेंट हो रहा है अब चीजें. पता नहीं क्या हो रहा है, ये माहौल ऐसा है, ये पॉलिटिक्स ऐसी है. अब तो हमारे प्रोटेस्ट भी रिडंडेंट लग रहे हैं हमको, कि अब तो हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं. तो इस ये कोविड से तो हम जूझ ही रहे हैं, हम इससे भी जूझ रहे हैं कि हम अपने समय में कैसे क्या करें. हम आर्ट नहीं क्रिएट कर सकते, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम आवाज नहीं उठा सकते. आवाज उठाने के लिए तो आज हमें जूम और फेसबुक पे आना पड़ रहा है, जो अप्रोप्रिएटेड मीडियम्स ऑलरेडी हैं. ये मीडियम्स बनाए ही गए इसलिए हैं कि राइट मतलब एक खास आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट किया जा सके लोगों में. तो हमको उसके बहुत ही मतलब ऐसे अंश हैं जो एक्चुअली दे डोंट माइंड हैविंग अस अराउंड, बट वी आर नॉट, दे डिड नॉट मेक फेसबुक फॉर अस, दे मेड इट विद अ डिफरेंट, और इट हैपेंड विद, और इट गॉट अप्रोप्रिएटेड बाय पीपल who are using it for different things. So, you know, sometimes I even feel ki Facebook pe protest karke kya hoga, you know, kyun hum jaye Facebook pe, kyunki wo to already appropriated medium hai aur unko pata hai hum isme guhiyan kuch nahi kar pa rahe hain, tabhi wo hame kuch kar nahi rahe hain, nahi to unke paas sara data hai hamara. So, anyway, to isse to hum joojh hi rahe hain har samay. तो जब नाटक, तुम्हारा जो सवाल है कि नाटक बनाना, साफ साफ बोलना, जो मोहित ने भी बोला कि डायरेक्ट बोलो, ऑफकोर्स डायरेक्ट बोलो और कोशिश करो कि डायरेक्ट बोलो. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हम जून हमने बना भी लिया फिर हम आगे नहीं कर पाए, क्योंकि हमें हमारे प्रोड्यूसर्स ने हाथ खींच लिया, हमारे प्रमोटर्स ने हाथ खींच लिया, भोपाल भारत भवन ने बहुत आनाकानी करके डर डर के हाँ बोला, वो भी क्योंकि वहां पर उस समय एक ऐसा अफसर था जिसने कहा कि कर लो फिर देखा जाएगा, कुछ बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं है. मुझसे सफाई मांगी गई कि बहुत डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे हैं कुछ, बहुत डायरेक्ट तो नहीं कर रहे हैं कुछ. तो
तो मुझे लगा कि इस माहौल में जो माहौल इतना डरा हुआ है जहाँ लोग सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं, क्योंकि जून को सेंसर मिला हुआ है लेकिन उसके बावजूद जून को प्रमोटर ने ही पुल आउट कर लिया, तो ये सेल्फ सेंसरशिप होती है कि डर गए हैं आप, डरे हुए हैं, और आप डरे इसलिए नहीं कि कोई आपके ऊपर बंदूक ताने हुए हैं, आप डरे इसलिए कि आपका लाखों का करोड़ों के कारोबार में कुछ करोड़ और कम हो जाएंगे, तो आप खुद से ही डरे हुए हैं एक्चुअली, आप किसी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन आप फिर भी डरे हुए हैं, तो अब इस डर का कोई इलाज नहीं है हमारे पास, लेकिन हम कश्मीर पे बात करना चाहते थे, तो उस समय जो माहौल था मुझे लगा, पहली बात मुझे लगा कि ये बात अगर हम डायरेक्टली नहीं कह सकते तो हम चालाकी से कहेंगे, मेरा मुद्दा सिर्फ उतना था, मैं पर्सनल उसकी बात कर रही हूँ कि अगर ये बात हम इससे नहीं कह सकते तो हम चालाकी से कहेंगे, हम ऐसे कहेंगे कि ये बात पच जाए, तो मोहित ने बोली कि बात कई बार पच जाती है, तो बात पचनी भी चाहिए लोगों को, ऐसा नहीं, क्योंकि कश्मीर के नाम पे लोग एकदम हिंसक हो उठते हैं, उनको लगता है कि अरे आप सेपरेटिस्ट हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, वो बात समझना ही नहीं चाहते, वो दुख समझना ही नहीं चाहते, वो चाहे वहां जमीन खरीद सकते हो या ना खरीद सकते हो, वो बस कश्मीर हमारा है समझना चाहते हैं, तो इस बात को एक तो इस तरीके से कहना था कि वो पच जाए, दूसरा हमारी ऑडियंस क्या है, मैं इस बात को शायद मान के चलती हूँ कि हमारी ऑडियंस क्या है, क्योंकि हमारी ऑडियंस वो ऑडियंस है जो टेलीविजन देखती है, जो बिरला के नाटक देखने आती है, जो आद्यम देखने आती है, या जो इवन महंगे में थिएटर्स में जाती है, मुझे लगता है कि ये अघाई हुई टीवी से अघाई हुई ऑडियंस कभी कभी अधिकांश लोग से चले जाते हैं, टिकट खरीद के 300 रुपए का टिकट भी खरीदना एक बड़ी बात है, वो तो चले जाते हैं वो देखने, इनसे कैसे आप बात करोगे, इनका लॉजिक, इनका ये तो डम डाउन हो चुके हैं ना, ये डम डाउन कंटेंट के आदि हैं, तो आप अगर बहुत ज्यादा फॉर्म को लेकर कई बार बात करोगे तो इनके सर के ऊपर निकल जाएगी और ये बाहर ऐसे आ जाएंगे जैसे चिकने घड़े, इनके ऊपर से पानी बहा भी इन्होंने कुछ सोखा नहीं, तो मेरी कोशिश हमेशा एज ए राइटर होती है, एज ए मेकर होती है कि मैं जिस ऑडियंस से डील करना चाहती हूँ, मैं उस मिडिल क्लास ऑडियंस से डील कर रही हूँ, मेरे एवेन्यूज वही हैं परफॉर्मेंस के, जहाँ पे मैं वो टीवी से अघाए हुए आए हैं हॉल के अंदर, और मैं उनसे उन्हीं की भाषा में उनको थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना पूरी उनकी बात है ना पूरी मेरी बात है, कुछ इस टाइप का एक डांस चलता है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें हमारी बात बता भी सकें और ऐसे बताएं कि वो सुन भी सकें और समझ भी सकें और शायद कुछ महसूस। Yeah, I think Purva has answered it very well, I think. Thank you, Purva. We have next Venkatesh with us. Venkatesh, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। Hello. Hi, Mohit. Hi, Venkatesh. How are you? I'm good. Nice to be part of this conversation. My question is about taking theater into digital format. So, you know, the strength of theater was having a performer performing live in front of you, and there is a person who, there are people on stage, they're doing, it's happening now, and also the process of theater, you know, the 10 actors, 15 actors, they're in a rehearsal room, they're rehearsing with each other, you know, sharing a meal or whatever, you know, that's how the theater has been happening, and also the live performance where the audience can actually see the actors than seeing their images in a digital form. So I am kind of very, I'm not sure if you take this, if it becomes a reality that if you have to do theater in a digital format, of course we'll have to explore a lot of ways to do it, but don't you think it will take away the very essence of what is theater strength to, you know, Venki, thank you. I understand what you're saying, but I'm going back to the first point that I made, that the strengths of your theater, what you think are the strengths, are you actually pushing to achieve those?
even when it was a live performance. Now that is the question that needs to be really, really seriously dealt. That's my point. And the other point is about digital things. See, it has changed. Now we can't do anything about it. This is the reality. And so if you want to, you can just say ki nahi mujhe ye isme interest nahi hai. That is absolutely fine. But I think we should just try to push it as much as we can. Ki kya ho sakta hai. So my point is ki digital mein, when we see something or when we are doing something, can we identify, in fact, this is a great opportunity to say, to identify ki haan, ye jo abhi in dono ke beech hua na, ye kuch theater jaise tha, haan, bhale hi wo alag alag khidkiyon mein hai. Ya ye jo hua na, ye exactly theater jaise nahi tha. Isse mujhe maza nahi aa raha. Agar ye bhi abhi hum identify kar paaye, to shayad wo hum jab wapas theater karne, normal theater karne jab jayenge, tab shayad wo discoveries aur findings bahut important hogi. और टेक्नोलॉजी जब भी आती है तब वो दुश्मन बन के ही आती है थिएटर के लिए. मैं बोल रहा हूँ जो ऐसा आर्ट फॉर्म है, बट हमको हमेशा दोस्ती करने की सोचनी चाहिए. यू नो, पहले तो माइक नहीं थे, तब सब लोग बोलते थे कि अरे लास्ट सीट तक आवाज जाए, ऐसे है. वो माइक आ गए, उसके आगे वो डेवलप हुआ, तो साइमन जैसे परफॉर्मर ने एनकाउंटर कर पाया. लाइट्स नहीं थे पहले, लाइट्स लाइव लाइट्स रहते थे, लिट वो आ गए, तो नाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट. प्रोजेक्शन यूज कर रहे हैं, लाइव कैमरा यूज कर रहे हैं, बहुत चीजें यूज कर रहे हैं. वैसे लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर व्हाट दिस मीडियम इज, एंड वी रियली, एंड द पॉइंट इज ना, माय पॉइंट इज दैट यू नो दीज डिस्कवरीज यू कैन मेक ऑन योर ओन विद इन योर ग्रुप. यू डोंट हैव टू शेयर एवरीथिंग दैट यू डू. Because you're going to fall, you're going to fail, and that's the beauty of theater. But don't share it. My point is, again, with the digital thing, that, you know, it's wonderful that you're coming and aap ek kahani suna rahe ho. Par ye kahani khatam hone ke baad aapne baaki ki kitab padhi na pakka. Ya baaki ki jo kahaniyan hai, wo shayad aap pesh nahi kar paaye, lekin us pe kaam kiya na aapne. Agar nahi kiya hai, to thoda problem. Lekin aapne wo kiya, to achhi baat hai. Aur nahi, kuch cheeze nahi share karna hai. अपने पास रखनी है, तो वो डिजिटल नॉइज नहीं बनाना है. कुछ अगर हाथ लगा, कुछ तो मिला है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, तभी आप शेयर करें, तब तक आप चुप बैठे. ओके, थैंक यू मोहित. थैंक यू. आई हैव आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आस्किंग क्वेश्चन इज साउतीदा. साउतीदा यू हियर? आप यहाँ हैं? Sautida, आप सुन पा रहे? Yes, yes, I'm. Yes, yes, I'm. Yeah. Hi, Mohit. Hello, Sautida. How are you? Fine. How are you? Yes. Good. Good. Mohit, the first point is I have already written it that I'm completely agreed with you that this is the time probably where we need to take this pause and actually we don't need to rush for anything. And now I have a question that do you think that after this COVID situation, emotional response will be different? I'm talking it from both from the artist and the audience point of view. Yes, I see. What I think is, you know, these responses are going to be very varied. I mean, we are going to see a spectrum of it, and everybody is going to respond in his or her, you know, how they see the situation. So it is kind of difficult, but yes, there is going to be a rush of emotions after this, and that will also have to be handled very carefully, because baki cheeze shayad kuch bahut piche reh jaye aur sab kuch emotional एंड ऑल एनवलपिंग एक समंदर बन जाए, और जिसमें हमको ड्राउन नहीं होना है, हमको आगे पॉइंट्स रखने हैं, पॉइंट्स पे काम करना है. सो दैट इज अ बिग डेंजर. आई टोटली अग्री विद यू. व्हाट इज इट मतलब मेरा कहने का मतलब ये भी था कि जैसे आज किसी के पेरेंट्स की डेथ हो रही है,
And because of the lockdown and because of the curfew, even say, 10 किलोमीटर भी उनके बच्चे पहुंच नहीं पा रहे, उनके संतान पहुंच नहीं पा रहे हैं. दूसरा, जब घर से किसी कोविड पेशेंट को लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल में कोई देख नहीं पा रहे हैं, उसके बाद उनकी जो बॉडी आ रही है इट्स कंप्लीटली रैप्ड अप, और पता भी नहीं चल रहा है कि डेथ एक्चुअली किन की हुई है. कभी कभी आइडेंटिटी भी नहीं समझ में आ रही है. सो आई थिंक एज एन ऑडियंस और एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच इज व्हिच आर द रियल हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ. So that's why this was my question. I totally hear you, and I mean it's unfortunate that ये हमको ऐसे पता चले, when it becomes a personal tragedy हमको सबसे ज़्यादा उसका पता चले. But so kind of ये जब wars हो रहे थे, world wars, तब India was always on a safer side comparatively, that हमारे यहाँ पे नहीं हो रहे, वहाँ पे हो रहे. And yes. So this entire thing, what happened with the Holocaust, what happened during the war, we have no clue about it. And so we have no, and we still have no clue about Israel-Palestine ka issue kya hai. Forget Israel-Palestine, Kashmir mein har roj kya ho raha hai. Uske baare mein bhi, living in India, humko pata nahi. Humko ye pata nahi ki kitne farmers suicide kar chuke hai. क्या हो रहा है हमको वो ये कुछ पता ही नहीं. जब वो पर्सनल ट्रेजेडी पे आ जा रहा है, देन वी हैव स्टार्टेड रिस्पोंडिंग. तो एंड आई मीन इट्स एन अनफॉर्चुनेट वे टू लर्न थिंग्स, बट या इट्स अ हार्ड वे. एंड आई थिंक वो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि दुनिया एक इसमें छोटी हो गई है, सो नाउ वी कैन हैव की बाकी जगह पे भी क्या हो रहा है. और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट था कि ज्यादा कंपैशन, understanding or empathy, shayad I hope ki wo panap uthe iske baad. True. Thank you Sajid. Thank you. Next we have Shri Harsha with us. Shri Harsha. Shita, hi Mohit. So my question, hi, thanks for this session first of all. My question was, Mohit, do you see post COVID, do you see any need for a better sense of community among theater people? We have so many people working separately now, across different divisions like urban, rural, or any form in a specific form, for example. Do you see or foresee any need for more community, sense of a community going forward? I understand. But that this Shri Harsha is a very wishful thinking, and this, forget the COVID thing, this should always have been the necessity of time. We work as a community together, but it is very different because of the fact that everybody's theater is different. And so, wo ek isme na band ho, is in fact also kind of helping us to explore our own theater. Now what happens is, I am a very urban bred boy, and if I say ki bhai mujhe ek folk form leke natak karna hai, usse main in logo ko connect bhi ho jaun, main bhi kuch seekhu, par wo mujhse shayad nahi hoga, kyunki mujhe pata hai ki wo main us hisab se nibha nahi paunga, क्योंकि वो मेरे अंदर नहीं है. इट वुड बी समथिंग ऑफ कि मैं एक प्रोडक्शन के लिए कुछ तो एक गिमिक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. तो मुझे लगता है अच्छी बात है जो अलग लोग उनका काम कर रहे हैं, एंड आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट अबाउट ईच अदर. बट आई थिंक इट्स इन अ वे ऑल्सो हेल्पफुल दैट एवरीबडी डज देयर ओन थिएटर, एंड दैट मेक्स द एंटायर द थिएटर फैब्रिक ऑफ इंडिया एक्सट्रीमली पल्सेटिंग एंड वाइब्रेंट. Okay, thank you. Thank you. Akash, next is Akash. Ipshita, ye session kab khatam ho raha hai, aap please note karna. Haan, main wo note kar rahi hu, haan. Mujhe ek chota sa kuch sum up karna padega. Ji, 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 bilkul. Abhi hai thoda samay, haan. Akash? Hi. My question. And I think this will be our last question. Cool. Okay, yes.
Hi. My question is that currently the students in drama schools across the world, जिनकी पढ़ाई बीच रास्ते रुक चुकी है, मुझे जानना था कि how should their approach be at this moment? Like, should it change or should it be the same? Yeah. I mean, Akash, like, जो मैंने वो preparation के बारे में जो बात की ना, so that preparation can still go on. You know, everybody, the directors, actors, everybody working in the theater can still continue to prepare themselves, hone themselves. And it is unfortunate that, you know, you can't be in a school, because a school, any school which teaches theater, film, art, it's an excellent place for the students where you can, like, you breathe that art. So you wake up with the thought of theater in your heart, mind, and you sleep with the thought of theater. And that's an absolute necessity to really dwell deep into the form. Aur abhi wo nahi ho raha. So I think as students, we will find ways. And that is what I'm saying when I'm pointing that, you know, there is so much to watch and learn as well. And I hope you all and we all need to take that opportunity and watch these things. So maybe wo jo gap beech mein aayega, pause jo aayega, that won't hurt. That will in fact help us to hone our skills. And then, inshallah, is sabke baad kuch aur haath mein mil jaye. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. So, as I've already announced, that was our last question. So, before we close, so Mohit, aap sum up karna chahte hain hamare pure us. Yeah, so I just want to say that, you know, I must have come across as extremely pessimistic, negative about this entire thing. But I feel that, you know, there's no harm in hoping. And hope is a good thing, my friend, is what Red says. No, Red he says. So let us hope, but we cannot take things for granted. We will have to work towards it. And this is a good time to take that pause and work towards it. So I will end my session with, I'll read a small bit to you. It's by Tolstoy. And it's not from any book. It's something that, ek chote se journal mein unhone kaha tha. I think it makes sense today. So, little while ago, I was standing on the banks of our pond. It was noon of a hot day, and butterflies of all colors and sizes were circling around, bathing and darting in the sunlight, fluttering among the flowers through their very short lives, for with the setting sun, they would die. But there was, on the shore, near the reeds, I saw an insect with little lavender spots on its wings. It too was circling around. It would flutter about obstinately, and its circles became smaller and smaller. I glanced over there. In among the reeds sat a green toad with staring eyes on each side of his flat head, breathing quickly with his greenish, white, glistening throat. The toad did not look at the butterfly, but the butterfly kept flying over him as though she wished to be seen. What happened? The toad looked up, opened his mouth wide, and remarkable, the butterfly flew in on her own accord. The toad snapped his jaws shut quickly, and the butterfly disappeared. Then I remembered that thus the insect reaches the stomach of the toad, leaves its seeds there to develop and again appear on God's earth, become a larva, a chrysalis. The chrysalis becomes a caterpillar, and out of the caterpillar springs a new butterfly. And then the playing in the sun, the bathing in the fight, in the creating of new life, it begins all over again. Thank you. Thank you, Mohit. So,
thank you. I really don't know what to say after this, but thanks a lot for taking out time for this session. We actually needed it. It was an eye-opener, I suppose, for most of us. Thanks to everyone who came here and participated. And now we'll switch off our laptop and think about it. Jo bhi itni der hamari baat hui. And we hope some of us become the butterfly and some of us the frog. So, thank you. Aur, ये सेशन रिकॉर्ड होने के बाद ये उजागर के पेज पर रहेगा. सो आई वुड एक्चुअली आस्क एवरीवन टू गो थ्रू इट. जो भी थिएटर कर रहे हैं आगे भी करेंगे, इसलिए नहीं कि इससे हमें हमें कुछ लेना ही है, बट अगर कुछ मिलता है एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू विजिट उजागर ड्रामेटिक एसोसिएशन पेज एंड गो थ्रू द या फिर बिल्कुल छोड़ देना है. थैंक यू.